हरे कृष्णा ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता। आप सोच रहे होंगे माता जी ये राधा श्याम सुंदर आपके पास कहां से आ गए, है ना। राधा श्याम सुंदर को मैं इस कान से लेके आई थी, इनको अभी मुझे फ्रेम कराना है। ये मेरे को सिर्फ पोस्टर ही मिला था, तो वहां पे मुझे अभी फ्रेमिंग के लिए ये भेजना होगा पोस्टर। तो जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं फ्रेमिंग इनकी करवा दूँ और फिर मैं बहुत ही सुंदर से सेटअप कराऊंगी अपनी वीडियो के लिए। तो अभी फ़िलहाल इनको मेरा बहुत मन था कि इसी तरीके से मैं अपने पास रखूं, तो मेरे पास जो भी पॉसिबिलिटी हो पाई उस हिसाब से ही मैंने इनको अपने पास विराजमान कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के शरीर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थूल शरीर की। स्थूल शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी, हमारी जो मटेरियल बॉडी है हमारी, जिसे हम रोज शीशे में देखते हैं, रोज सजते हैं, संवारते हैं, है ना, मेकअप करते हैं डेली, तो वो हमारी जो बॉडी होती है उसे स्थूल शरीर कहा जाता है। तो ये जो बॉडी होती है, ये हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। और वो जो 5 तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। जब पृथ्वी कहते हैं तो इसका मतलब है कि ऑल सॉलिड्स, सारे सॉलिड्स जिस तत्व में मिले होते हैं वो पृथ्वी होती है। अगर जल की बात करें तो ऑल लिक्विड्स, और अगर वायु की बात करें तो ऑल गैसेस, अगर अग्नि की बात करें तो ऑल हीट, जो भी मतलब हीट, किसी भी तरीके की हीट्स होती हैं वो सब हमारे अग्नि तत्व में होती हैं। और आकाश के अंदर हमारा जो भी वैक्यूम होता है, जो कि स्पेस होता है, यानी कि जो बाकी बचा हुआ स्थान होता है, वो सारा हमारा आकाश तत्व में आ जाता है। अब इस शरीर से परे एक शरीर होता है जो कि होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो बना हुआ होता है वो होता है मन, बुद्धि और अहंकार का। मन, बुद्धि और अहंकार, आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा हमारा शरीर होता है। अब इस बात को समझिए ऐसे कि जैसे एक व्यक्ति है, उसने 3-पीस सूट पहना हुआ है, ठीक है, तो जो ऊपर वाला कोट है वो उसका जो है स्थूल शरीर है, जो नीचे का उसका शर्ट है वो है उसका सूक्ष्म शरीर, और जो वो खुद व्यक्ति है, है ना, इंडिविजुअल पर्सन है जो, वो है आत्मा। तो इस तरीके से अभी हम इस लेयर को समझेंगे। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ होता है। और मन जो कि होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, कभी हमारा मन करता है मीठा खाने का, कभी मन करता है खट्टा खाने का, कभी मन करता है जयपुर जाने का, कभी मन करता है वृंदावन जाने का, कभी मन करता है वीडियोस बनाने का, कभी मन करता है इंजीनियरिंग करने का। तो ये जो मन है हमारा, इसी तरीके से हमें भटकाता है अलग अलग जगह पर। और मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, कभी इधर लेके जाएगा हमें, कभी उधर लेके जाएगा। इस मन का एहसास सभी ने किया है लेकिन मन आज तक कोई भी यंत्र देख नहीं पाया है। आज तक ऐसा कोई यंत्र ही नहीं बना है साइंस के थ्रू कि हम इस मन को देख पाए, है ना। लेकिन मन होता है। एक इंग्लिश में कहावत भी आती है ना, माइंड इज अ सीट ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस। अब सूक्ष्म शरीर में ही बात आती है बुद्धि की। जैसे कि मैंने आपको बताया मन, बुद्धि और अहंकार से ये बना हुआ होता है शरीर, तो बात आती है बुद्धि की। बुद्धि हमारी जो होती है वो मन से ज़्यादा सूक्ष्म होती है, मन से ज़्यादा सूक्ष्म होती है ये बुद्धि हमारी। और बुद्धि को भी आज तक कोई देख नहीं पाया है लेकिन होती है। बुद्धि के द्वारा ही हम सही और गलत का परख कर पाते हैं, सही और गलत की पहचान कर पाते हैं, और इस बात को समझ पाते हैं, टिक रख के रह पाते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सा डिसीजन सही है और कौन सी चीज़ गलत है। अब बात आती है अहंकार की। अहंकार मतलब आइडेंटिफिकेशन, मतलब मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ। तो इस तरीके से जो हम अपने बाहरी रूप को पहचान कर पाते हैं या दूसरों को बता पाते हैं, ये हमारा अहंकार के द्वारा होता है। हम अपने अंदर को, अपने अंदर की आत्मा को, अपने अंदर की सोल को भूल जाते हैं इस अहंकार के कारण। तो ये सारा काम जो होता है वो अहंकार का होता है, क्योंकि हम अपने अंदर की चीज़ों को भूल जाते हैं और बाहर की चीज़ों पर हम अपनी पहचान करने लगते हैं। लेकिन आत्मा जो होती है उसकी कोई पहचान नहीं होती,
आत्मा ना काली होती है, ना गोरी होती है, ना छोटी मोटी है, ना नहीं होती है, कुछ नहीं होती उसकी ऐसी पहचान। तो आत्मा जो बनी होती है वो बनी होती है सद चित आनंद से। सद का मतलब है शाश्वत, चित का मतलब है फुल ऑफ अवेयरनेस नॉलेज, और इसका मतलब होता है कि अगर हम अवेयर हैं तो हम जीवित हैं, और जो आनंद होता है उसका मतलब है हैप्पीनेस। लोग सोचते हैं कई बार कि हम शरीर हैं और शरीर में आत्मा रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम एक्चुअली आत्मा है और आत्मा एक शरीर को धारण किए हुए है। जब इस शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी तो आत्मा इस शरीर को बदलकर दूसरे शरीर में चली जाएगी। ये जो आत्मा है इसका स्वभाव है आनंद में रहने का, इसीलिए बार 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 हमें इस बात की क्रेविंग होती है, हमें इस बात की चाह रहती है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए। ये भी बोलते हैं कि ब्रेन और मन जो है हमारा वो एक ही है। नहीं, ब्रेन और मन एक नहीं है, क्योंकि मैं आपको ना एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखिए, पहले तो ये समझिए कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे ग्रॉस बॉडी का हिस्सा है ना, हमारे मटेरियल बॉडी का हिस्सा है। तो जो मन है हमारा वो इससे हट गया है। आप एक बात समझिए कि कोई पेशेंट है, जैसे कोमा का पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कोमा के पेशेंट आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि कितने सालों तक वो कोमा में रहते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं डेड बॉडी की तरह, है ना। सिर्फ उनका हार्ट पंप कर रहा होता है, सिर्फ चल रहा होता है उनका हार्ट। यहाँ ना मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ, जिस तरीके से ये बात आप थोड़ा सा ईजिली समझ पाएंगे कि जो ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर है हार्डवेयर, जो हमारा मन है वो है हमारा सॉफ्टवेयर, और जो हमारी आत्मा है वो है यूज़र। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते को चुन रहे हैं, आप एक यूज़र बन के इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी ना कि कई बार हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमें अचानक से अंदर से फील होता है ऐसा कि मत कर, ये काम गलत है, है ना। तो अंदर से वो जो आवाज़ आ रही होती है ना, वो हमारे भगवान की, हमारे परमात्मा की अंदर से आवाज़ होती है, जो कि हमारी आत्मा को वो सुनाई देती है। तो अगर वो आत्मा उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, मान लीजिए किसी को चोरी करने की आदत है तो वो चोरी कर लेता है, भले वो बड़ी बड़ी चोरी ना करता हो, छोटी छोटी चीज़ों की चोरी कर लेता हो, लेकिन अगर मान लीजिए उसने कोई छोटी चीज़ चुरा ली या चुराने जा रहा है, तो उसके मन से अंदर से क्या निकलेगा उस समय कि मत कर, ये गलत है, है ना। तो अगर वो अपने हाथों को रोकेगा नहीं उस टाइम, अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं करेगा, तो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को तो वो यूज़ कर लेगा ना, वो आत्मा तो यूज़ कर रही है ना उन चीज़ों को। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि हमारा शरीर जो है वो हार्डवेयर है, हमारा मन जो है वो सॉफ्टवेयर है, और हमारी आत्मा जो है वो है यूज़र। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, इस बात की गहराई को समझ लेंगे, तो आपको ये बात बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगी कि हम एक आत्मा हैं, हम एक शरीर नहीं हैं। हम शरीर के अंदर आत्मा नहीं बिठाकर बैठे हैं, बल्कि एक आत्मा शरीर के अंदर बैठी हुई है, जो कि एक समय की अवधि पूरी होने के बाद किसी और शरीर को धारण कर लेगी। अब थोड़ा सा इस बात को और जानेंगे कि आत्मा के ऊपर दो कवरिंग होती हैं। पहली होती है सूक्ष्म शरीर की और दूसरी होती है स्थूल शरीर की। तो जो हमारा स्थूल शरीर होता है, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो स्थूल शरीर इसी धराधाम पर रह जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो हमारे द्वारा किए गए कर्मों को लेकर भगवान के धाम जाता है, और उसी के अनुसार उस शरीर को प्रताड़नाएं दी जाती हैं अगर उसने बुरा कर्म किया हो, और अच्छे कर्म करने पर उसके हिसाब से उसे फल दिया जाता है। तो जो बोला जाता है ना कि जब हम बुरे कर्म करते हैं तो यमलोक अगर जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रताड़ना दी जाती हैं अलग अलग तरीके की, तो वो किसे दी जाती हैं? वो इसी सूक्ष्म शरीर को दी जाती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो आपका यहाँ रह गया। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैंट कीजिए। अगर आपने चैंटिंग शुरू नहीं की है तो चैंटिंग शुरू कीजिए, अगर चैंटिंग कर चुके हैं शुरू तो सोलह माला कीजिए, अगर सोलह माला करते हैं तो हरि बोल, और भगवत धाम जाने की तैयारी करिए, क्योंकि जीवन चुटकियों में निकल जाएगा। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब तक हम अपने आप से प्रयास नहीं करेंगे, कितना भी कोई सामने वाला बोलता रहे,
हमारे जीवन के अंदर बदलाव नहीं आएगा। हमें अपने लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमें भक्ति में खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास मात्र कर पाएंगे।